4 days to finish the NCERT very powerfully. हमें जो है एनसीईआरटी एक नोवेल की तरह पढ़नी चाहिए, रीड लाइक अ नोवेल. हेलो एवरीवन, माय सेल्फ चेतना, करियर साइकोलॉजिस्ट विद योजना आई. सो टुडे वी आर डिस्कस 4 days टू फिनिश दी एनसीईआरटी वेरी पावरफुली. तो ये जो पॉइंट्स है सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मुझे आप बहुत ही इस वीडियो को आप देखिएगा. तो फर्स्ट देखिए, मैं आपको पॉइंट डिस्कस करूंगी कि हमें जो है एनसीईआरटी एक नोवेल की तरह पढ़नी चाहिए, रीड लाइक अ नोवेल. देखिए, नोवेल से हमारा मतलब ये है कि स्टूडेंट्स होता है क्या, हमें एनसीईआरटी 6 to 12 तक ही पढ़नी है. तो 6 to 10 तक तो हम बेसिकली कॉमन सब्जेक्ट सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी सब आप पढ़ते हो. बट आफ्टर द 10th होता है क्या, 11 और 12 में हम सभी के सब्जेक्ट डिवाइड हो जाते हैं. लाइक कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, कोई कॉमर्स है, तो कोई साइंस है. तो जो 11, 12 की जो बुक्स होती है आपकी एनसीईआरटी की, इसमें आपकी आर्ट्स के सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पॉलिटी और हिस्ट्री. तो उनका जो इंटरेस्ट है ना कहीं लैग करता है. तो अकॉर्डिंग टू उसके, हमें सभी एनसीईआरटी के जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसको एक नोवेल की तरह पढ़ना चाहिए, स्टोरी की तरह, ताकि वो लॉन्ग टर्म तक क्या हो, हमें याद रह सके चीज़ें. जैसे कि आप हिस्ट्री का एग्जाम्पल ले, तो हिस्ट्री कैसा सब्जेक्ट है, काफ़ी कहीं ना कहीं बोर सा सब्जेक्ट लगता है स्टूडेंट्स को ना, कि यार कौन ये वॉर हुआ, रिवॉल्ट, ये सब करके. ठीक है, तो हमें सब्जेक्ट को बहुत ही इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आपको एक नोवेल की तरह रीड करना चाहिए, ताकि हमें वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रह सके. नाउ सेकेंड चीज है अंडरलाइन द कीवर्ड्स. कीवर्ड्स का मतलब यह है कि आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, चाहे वो पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, तो जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो ना, जिस भी चैप्टर से आप स्टार्ट करो 6 to 12 तक की, आपको हर एक इम्पॉर्टेंट चीज को क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग से हाईलाइट करते चलो. कि भाई आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, 6 का कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग से चीज़ों को ना, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करते चलो, ताकि अगर आपको दोबारा उस बुक्स को या फिर दोबारा चीज़ों को रिवाइज करना है, तो पढ़ना है, तो आपको पूरा डिटेल में ना पढ़ के सिर्फ वो हाईलाइट चीज़ क्या क्या करोगे, आप पढ़ोगे. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो पॉइंट है वो आपको हाईलाइट करते चलो स्टार्टिंग से ही कीवर्ड्स को. नाउ थर्ड इज के आपको सोल्व द एमसीक्यू क्वेश्चन गिवन द एंड ऑफ द एनसीईआरटी. देखिए, आपके एनसीईआरटी के एंड में जो भी चैप्टर आप एंड करते हो, उसके एंड में क्या होते हैं, आपका क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं. तो आपको क्या करना है, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना, उसके एमसीक्यू लगा, उसको सॉल्व करो. ठीक है, कि आप कितना करेक्ट कर पा रहे हो. इवन एम मेंस के लिए क्या करो, स्टार्टिंग से ही एनसीईआरटी से आप क्या करो, कुछ कुछ आंसर राइटिंग लिखना स्टार्ट करो, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर या सोलर सिस्टम, जो भी आप ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो. तो इस तरीके स्टार्टिंग से ही मेंस के लिए भी आप कुछ, मेंस के लिए भी आप उसे लिखना स्टार्ट करो. फाइन. एंड लास्ट इज जो इम्पोर्टेंट है, मेक अ शॉर्ट नोट्स. देखिए, शॉर्ट नोट्स से हमारा मतलब ये है कि आप जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो स्टार्टिंग से, 6, 7, 8 जो भी क्लास का पढ़ रहे हो ना, स्टार्टिंग से ही ना कुछ नोट्स बनाओ. शॉर्ट नोट्स का मतलब समझ गए आप ये नहीं कि आप सपोज 6 का चैप्टर पढ़ रहे हो ज्योग्राफी का, वो 4 to 5 pages में आपका कवर होता है ना. आप कोशिश करो जो भी आप नोटबुक आप लेके बैठ रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, तो उसमें स्टार्टिंग से ना उसके लिए ना शॉर्ट नोट्स बना के चलो, कि भाई मुझे दोबारा अगर 6 का चैप्टर ये पढ़ना है, सोलर सिस्टम दोबारा पढ़ना है, तो मुझे बुक ना उठाने पड़े, उसके एकदम कीवर्ड्स के जो क्रिप्सी नोट्स होते हैं ना, स्टार्टिंग से वो आप बना के चलो. तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कि दोबारा आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लो, फिर आपको दोबारा रिवाइज करना हो एंड में, जब आपका एकदम एग्जाम बहुत नियर आता है या प्रीलिम्स आ रहा है, क्योंकि प्रीलिम्स में कम से कम आपका जो 50 to 60% का जो क्वेश्चन है, डायरेक्ट जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के ही होते हैं. ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने आप को करो एंड ट्राई टू सॉल्व द एमसीक्यू जितना हो सके. लास्ट इज में एमसीक्यू सॉल्व करो ऑब्जेक्टिव, उसमें आपकी प्रैक्टिस क्या होगी, मोर एंड मोर बेटर होती है. ओके.